नारायण 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 आज जो जिसकी एकादशी है सब आज सुनो, भगवान नारायण देवशनि एकादशी से 4 महीने उस आत्मा परमात्मा में समाधिस्त होते हैं जो सर्वव्यापक है, ऋषि मुनियों का उपस्थ है और शिव जी जिसकी समाधि है। लेकिन जब भगवान नारायण आज के दिन वो समाधि से उठते हैं तो कपूर की आरती करने वालों की अकाल मृत्यु कभी नहीं होती। लेकिन भगवान नारायण की उदारता देखो, मैंने गरुड़ पुराण में देखा कि गरुड़ पुराण में गरुड़ पर प्रसन्न होकर नारायण बोलते हैं कि वायु तो 80 प्रकार के होते हैं और बड़े असाध्य होते हैं, लेकिन गरुड़ त्रिफला छाटने से वो असाध्य रोगों में सभी को आराम मिल सकता है। मुझे तो नारायण का ये उदारता सुनकर हुआ कि तुमको भी बता दूं, क्योंकि 3 दोष होते और 80 प्रकार के भयंकर दोष वायु में होते त्रिफला फाटने से। दूसरा, दही खाने से कई प्रकार के ट्यूमर व्यूमर बन सकते हैं, तो दही को छाछ बना के मक्खन भी खाए और तक्रम पिए स्वास्थ्यप्रद होता है। ये कौन बोलते हैं? भगवान नारायण बोलते हैं। अब नारायण भगवान हमारा तुम्हारा सबका कितना ख्याल रखते हैं। तो गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो उसके पास गुरु मंत्र है और जप करता है उसको 84 लाख योनियों में नहीं जाना पड़ता है। ईश्वर प्राप्ति हुई तो ठीक है, नहीं तो ऊंचे लोकों में जाकर फिर अच्छे घर में कुल खानदान में आकर जन्म लेता है। ये बात गीता में भी कही, सुचि नाम श्रीमत नाम के योग भ्रष्टो भी जाये अथवा योगी नाम कुल भगवती की मताम। ये कृष्ण ने अर्जुन के शंका का समाधान करके बोला कि जिनके पास साधना है उनकी नीच गति नहीं होती है। नहीं तो गरुड़ पुराण में लिखा है कि 200 करोड़ वर्ष 84 लाख योनि में राउंड मारना पड़ता है। लेकिन शिव जी कहते हैं जिनके पास गुरु मंत्र है, धन्या माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यम कुलो भव धन्या च वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरु भक्त था। हमें तो अभी पता चला कि 200 करोड़ वर्ष हमारे बच गए जब से गुरु दीक्षा ली, नहीं तो हम जानते थे कि शिव जी ने महिमा गाई है, उदार है। लेकिन शिव जी ऐसे वैसे इतनी बड़ी उपमा साधक को उठते हुए ऐसे एकदम भोले बाबा नहीं समझ के दाता है, धनी है। अब कपूर की आरती का तो समय हो गया, तुम लोगों ने कर ली होगी, और मक्खन और तक्रम से स्वास्थ्य के सम्राट बनोगे, त्रिफला से 80 प्रकार की बीमारियां दूर हो जाएगी। लेकिन उसके साथ देव जी की एकादशी, उस आत्मदेव में विश्रांति पाना है। मैं कौन हूँ पूछने से रमण महर्षि आत्मदेव में चले गए। ये इतना कठिन नहीं है, जिनको कठिन नहीं लगता ऐसा महापुरुषों का सत्संग मिलना और उसे पचाने की तत्परता राणा जी जैसे होना, ये बहुत कठिन है। अरे महाराणा को नीचा दिखाने के लिए अकबर ने क्या क्या किया, लेकिन राणा तो राणा है, हो गया नारायण नारायण नारायण। ये हमारे सभी जो तपस्या साधना कर रहे हैं उनको बोलना कि 200 करोड़ वर्ष तो बच गए 84 लाख योनियों से, तो आप अलग हो गए। नहीं तो फिर जन्म रहे हैं बेचारे, उनको तो जन्म के बाद फिर बनना पड़ता और फिर प्रकृति उनको 84 लाख की यात्रा कराती, उस प्रकृति से पार होने के लिए परमात्मा का मंत्र अधिकम जपम अधिकम फलम। और शिव जी कहते हैं गुरु मंत्रो मुखे यस्य तस्य सिद्धि न अन्यथा गुरु लाभात् सर्व लाभो गुरु ही नस्तु पारिषि। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण मेरा जीवन है, मुझे गुरु मंत्र मिला और गुरु मिले हैं तो मेरे को जो लाभ हुआ है सब लाभ उसमें आ जाते हैं, और मेरे निकटवर्ती शासकों भक्तों को भी जो लाभ हुआ है सब लाभ उसके आगे छोटे हो जाते हैं। और हरिओम।